अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपकी मुगल इमारत, जैसे फतेहपुर सीकरी में आपने देखा होगा दो तरीके की आपकी इमारत है, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। दीवाने आम यहाँ की जो सम्राट होता था वो आम व्यक्ति से, आम अपनी जनता से मिलता था, मुलाकात करता था, उनके साथ बात करता था। तो अब मैं आपको उसी दीवाने आम दिल्ली को दिखाऊंगा। अभी जो आपके जो मेरे पीछे आपको दिख रही इमारत, ये शाहजहां के द्वारा निर्मित दीवाने आम है। और बार बार आप लोग एक सिंहासन के बारे में सुनते होंगे जिसको पीकॉक थ्रोन कहा जाता है, मयूर सिंहासन कहा जाता है। तो मयूर सिंहासन जो आपके ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह के द्वारा आपके लेके चला जाया गया था, वो फिर से वापस यहाँ पे लेके आया गया। तो वो मैं स्थल भी आपको दिखा रहा हूँ जो मयूर सिंहासन आपको दिखे। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये है तो ये जो मुगल सम्राट होता था उसके बैठने की जगह होती थी, लेकिन ये मयूर सिंहासन दीवाने आम में है, दीवाने खास में है। क्योंकि दीवाने खास में जो बैठने की जगह है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर है, क्योंकि वो अपनी खास अमीरों के साथ बैठा करता था और यहाँ पे आम जनता के साथ मिलता था, जो थोड़ी सी सिक्योरिटी पर्पज होता था। इसलिए बहुत ऊंचाई पर इस आपके सिंहासन को बनाया गया है। तो ये है मयूर सिंहासन जो शाहजहां के समय में बनाया गया था, और मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह इसको ईरान लेके चला गया था। तो अब यही तो दीवाने आम के अंदर ऊपर के आर्किटेक्चर को आप देख सकते हैं, सारे के सारे लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी जो यहाँ के मुख्य वास्तुकार हैं उनके द्वारा ये लगाया गया था शाहजहां के समय में। तो ये दीवाने आम है, और दीवाने आम में ये मयूर सिंहासन है जिसको तख्ते ताऊस भी कहा जाता है। अब हम लोग चलेंगे दीवाने खास में, चांदी की दीवारों को दिखाएंगे और शासक जमीन पे कैसे बैठा था, थोड़ी सी ऊंचाई पे उसको समझाएंगे।